तल्ले का यही है कि चाय, अभी हम चाय पीते हैं दोबारा, दिल कर गया चाय पीने का, तो फौजिया बना के चाय, तो चाय पीते, उधर मेहमान भी आए वो भी चाय पी रहे, उनको दिखा नहीं सकता, मेहमान से कैमरे के सामने नहीं आते। देखो ये भी डेली वो डॉक्टर से पट्टी कराते हैं, देखो तो उंगली नहीं छूट रही, पता नहीं क्या है, तो अल्लाह ताला भेज, कैप्सूल भी खा रहा हूँ खुश्क दवाई, जख्म खुश करने वाला, जो मेरे अल्लाह को मंजूर है, टेंशन की वजह से क्या है पता नहीं, हमारे नसीब में कोई ऐसा है कि क्या बताएं, बस अल्लाह ताला भेज भी गए, हमारे कोई गुनाह है तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, बस चलो अल्लाह खैरियत करेगा, बात थोड़ी देर आगे खैर खुशी से गुजर जाए और क्या, तो अल्लाह बेहतरी करेगा, दुआ करना बस। चलो जी हाँ खाना खाते हैं, मुझे देर होगी, कैसे सही? हाँ चाय मज़ा है, लजीज है, चलो मेहमान चले गए सारे, मेहमान चले गए, चलो खाएं खाना, खाएं ठंडा हो जाएगी, चलो खाते हैं, चलो चाय फिर बाद में, चाय बाद में, चलो ये खाना खाते हैं बाद में चाय पियेंगे, तो पहले मेहमान थे, मेहमान अभी चले गए, तो हमें अभी मौका मिला खाने खाने का, दो तीन बार चाय पी, चलो जी चलो आप खा लें, आप ठंडा हो जाएगा, चलो चलो वीडियो बने था ट्रे, अभी माओ पे उठा गई चाबी, नहीं को पता कहीं वीडियो बने थे, वो को पता थे है तो बोला तू बदी दिया, या मैं मोबाइल ना लंदा आज दिन आए के दिया, बोला पिता कर गई मेरी चाबी क्या है, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं खाई, हमारी चाय आएगी सुबह की, नाश्ता करते हैं चलते हैं, जो दिन की रूटीन होगी शेर, सुनाओ कैसे है तबीयत, अभी अभी कुछ बेहतर है, हाँ अभी कुछ बेहतर है, हाँ रात का ही रात को तो बहुत खराब हो गई थी, फिर टांगों में दर्द था क्या, हाँ गोलियां खाई हो, अभी कुछ बेहतर है, चलो माशाल्लाह ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, चाय पियेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर चलेंगे शायद दवाई लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चलो आज चले साग तोड़ने, चलो चलते हैं, अब करते हैं नाश्ता, नाश्ता करके चलते हैं शायद, हाँ चलोगी तुम भी, मैं देखूंगी, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी तो चलूंगी, चलो फिर चलना है तो चलो, क्योंकि दिन थोड़े, मैं पटवारी का काम जमीन वाला ख़त्म कर लूँ, मैं थोड़ा सा सामान लेना है, हाँ देखूंगी मेरी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी तो चलती हूँ, चलो देखो फिर नाश्ता कर लें, फिर देखते हैं अभी आए तो फिर चलेंगे, ठीक है चलो ये अभी चाय पीते हैं, चाय पी के खाना का नाश्ता कर लिया हमने, चाय पी के अभी निकलते हैं बाहर, देखते हैं भी कि हम बाहर गए नहीं बिल्कुल, तो अभी देखते हैं भी चलते हैं चाय पी के बाहर, चलो फिर चाय पी के तैयार हो जाओ, हाँ तो आप भी पी ले, मैं भी पीती हूँ, बाहर देखो कौन, ठीक है चलो जो पीता हूँ मैं भी, चलो चलते हैं से, ये देखो ये सारा गन्ना है, तो अभी शहर चलते हैं, देखते हैं अभी क्या रूटीन है, फिर आपसे रूटीन शेयर करेंगे, चलते हैं, ये गन्ना देखो लोड हो रहा है, खाली हो रहा है, कंडे पे खड़े हैं, खान पर काम है थोड़ा सा, ये करके आते हैं, फिर देखते हैं हमारे शहर, यहाँ हमने ट्रांसफर लेटर बनाया था मोटरसाइकिल का, अपने नाम कराना था, उसका पूछना था भाई क्या तरीकाकार है, तो पूछा है, वो कहते हो जाएगा, तो दो दिन लगे, कल इंशाल्लाह उस आदमी को लाएंगे, उसकी कापी लाएंगे, तो मोटरसाइकिल नाम हो जाएगा दो तीन दिन में, मैंने कहा पता करूँ ना, अब नाम करा के जाऊँ, मोटरसाइकिल भी लाए थे, चलो जल्दी देखते, जैसे यहाँ चश्मा नहीं मिला घर में काले वाला, तो मोटरसाइकिल के लिए यहाँ आके ये चश्मा खरीद रहे हैं, तो ये कहते हैं कि इमरान खान वाला है चश्मा है, तो मैंने बोला चलो अच्छा है इमरान खान वाला पहन लो, वोट तो मिल गए पर इंसाफ नहीं हुआ ना, शायद चश्मे के साथ इंसाफ भी इमरान खान को मिल जाए, हमें भी मिल जाए,
तो देखने लगा के चश्मा क्या होता है, तो चलते फिर देखते हैं। सोन हलवा खरीद किया यहाँ से, सीटी स्वीट पे आए हुए हैं। देखो बहुत अच्छा ये बनाते हैं सोन हलवा भी, गजरेला भी, तमाम चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी अवेलेबल होती हैं, ताज़ी और साफ़ सुथरी होती हैं। जब भी आप खानपुर आए तो ज़रूर इसका विज़िट करें, आपको अच्छी और ताज़ी मिलेगी। रश बहुत हो गया यहाँ पर, बहुत पता नहीं किस वजह से रश हो गया, गाड़ियाँ पूरी रुकी हैं, ट्रेले रुके हुए हैं। नवाकोट चौक में बहुत रश है, बाइक वाले भी खड़े हैं चौक में, बहुत रश हो गया, ब्लॉक हो गया रास्ता इनकी वजह से, पता नहीं क्या है। नवाकोट चौक में ये पोजीशन हो गई है रश की, बहुत जिधर ही देखो भाई ये गाड़ियाँ सब ऐसे खड़े हुए, रोड पूरी ब्लॉक है। देखो देखो जिधर देख लो रोड ब्लॉक है, ओ उतने तक देखो सब रोड ब्लॉक हुई है, चौक पूरा ब्लॉक है। नवाकोट ये दिन को चौक इसको कहते हैं, पूरा ब्लॉक है। देखो ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रुके हुए हैं सब, कोई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसे रश लगा हुआ है चारों तरफ, पीछे भी ऐसे रश है, सारा रश है, पूरी रोड ब्लॉक है, चौक ब्लॉक है पूरा, पता नहीं क्या है, बस समझ नहीं आ रही। यहाँ से ले ली है तभी फिर नवाकोट चौक पे आगे सामने मुर्गी वाला है, उधर से सामने से सब्जी ली है, अभी चलते हैं घर में। अभी देख रश नहीं है चौक में, पहले तो बहुत बड़ा रश था, जाम हुई थी ट्रैफिक, क्या हो गया था अभी माशाल्लाह कोई। ये देखो ये क्या लोड का क्या है, देखो रिक्शे वाले ने क्या लोड किया हुआ है, ज़्यादा रश है। देखो इस टाइम है हिसाब किताब, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो चलते हैं पे यहाँ भूबे का पता कहते हैं, चलते हैं। क्या बना रही है? मकरूना। मुझे भूख बहुत लगी है, हमें भी भूख लगी, हम बना रहे हैं। मुझे भी भूख लगी, अनु ने कहा आज मकरूना बनाते हैं, ले आओ। कितना देर लगेगी? बस अभी बना के थोड़ी देर लगेगी, 5 मिनट पूरे। माशाल्लाह ये बन गया, तैयार हो गया, हाँ अब खाएं। चलो खाएं। है बहुत लजीज है, भूख बहुत लगी है, बहुत दिल समय नहीं हो रहा, अभी जल्दी जल्दी डालो तो जल्दी दे दे, जल्दी जल्दी खाए बस। अच्छा जी यहाँ खाना लिया हमने, खा तो अभी चाय का दौर है, हाँ पियो कैसे चाय पिए, क्या देख रही है? मैं ब्लॉग देख रही हूँ, अन्नू चाय बना के ले आई है। अन्नू चाय बना के ले आई तो मैं ये गोली खाती हूँ। क्या खैर है, क्या हो गया गोली खाने में? टांगे में क्या हो गया? टांगे को पता नहीं क्या हो गया, चलो टांगे तो ये ठीक नहीं होती, इसका क्या इलाज हो, कोई इलाज होना चाहिए इनका। कितना बड़ी ट्राली जा रही है ना, गन्ना लेके देखो कितना बड़ी ट्रेला है, तकरीबन 1000 मन होगा ये गन्ना, 1000 से भी ऊपर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेला है ना, ट्रेला बहुत बड़ा जा रहा है। इस बच्चे को देखो कैसे घूम रहे हैं, आज हम चल रहे हैं देखे, ये कहाँ गया, ये देखो गन्ने काट रहे, काट के फिर बना रहे हैं, देख मिजाज का कितना नुकसान। ये लबाने प्याले भेजते हैं यहाँ, 5-10-50 रुपए का प्याला हो, बैंक के सामने ही देखो भाई खड़े हुए हैं सारे, ये सामने बैंक है, जो भी आते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। ये बड़ा जनरेटर लगा हुआ, बिजली नहीं होती ना, बिजली नहीं है इसलिए मुश्किल है इसे। भाई ये 1000 मन से ऊपर जा रही है ट्राली, जो जा रही है ना ये ट्रेला जा रहा, ट्राली नहीं है ट्रेला जा रहा है इसे समझो, देख लो ये बस माशाल्लाह अल्लाह ताला इसके लाल हल की दे कोशिश की। तो इन्होंने भाई साहब ने दुकान चेंज कर की यहाँ नज़दीक आ गए घर के, देखो जी बिल इतना महंगे हैं, ये बिल दिया है हाँ
8,000 रुपया बिल आ गया, एक माँ का एक का बिजली का क्या करे, कहाँ जाए गरीब लोग। ये देखो ये फ्रिज भरी हुई है इन्होंने, ये नहीं भी चला है भैया राहल, एक बोतल ही चले तो कितना बिल दिया, हमारा जिगर भी ठंडा कर दे, आग जल रही है इतना पैसे दे के, एक बिजली नहीं एक बिल इतना देते हैं कि अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह भेजी गए। चलो जी, मैं सबको ये कहता हूँ कि कोई बात ना किया करें, मैं आपको कहता हूँ वर्दा और मेरे बेटी देखो, चलो स्टार का चाचू उसकी माँ तो मेरी बीवी है, उसका लिहाज कर रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता कभी, वर्दा आपके बारे में या मरियम के बारे में मैंने कुछ कहा है, आप जिस नाम से पुकार रहे हैं कुछ कह रहे हैं ये अदब के खिलाफ है, फिर मैं कुछ कहूँगा तो आप कहें औरतों पे बातें करता है, आप कह मर्दों पे बुजुर्गों पे कह रहे हैं तो कुछ नहीं है, खुदारा इससे अच्छा नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता। अच्छा मैं उसका सारा को, आप सितारा को प्यार करते हैं तो सितारा क्या समझे, मेरे चाचू क्या कह रहे हैं, चलो उस लाइन पे चले जाओ, हाँ कुछ बंदा किसी का ख्याल, मैं तो सितारा की वजह से आपका ख्याल कर रहा हूँ, आपको तो करना चाहिए ना एहतराम किसी का, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप गलत नाम से ना पुकारें तो खुदारा अच्छी बात नहीं है, आप सीधा सोफाना काम करें, जैसे मैं आपका नाम नहीं लेता आप भी नाम लें तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं किसी की बुजुर्ग को नाम ऐसे लेना गलत, तो आगे फिर दुआ जाने खुदा जाने, ठीक है। हाँ आगे एहतियात करना, ख्याल करना किसी की तरफ से, चलो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि फिर ये अच्छी बात नहीं मेरे मुंह से कुछ निकले, फिर आपसे निकले ये बात बढ़ दी जाए, उससे बेहतर है कि पहले इस बात को यहाँ ही कंट्रोल कर दें तो अच्छी बात है। हल्का जरा मैं सवेले चाहिए सही वापस, ये मैं हल्का जरा दे दे सारा ये अमरूद का वास्ते हो से मेरा अमरूद है किनु ले रहे आज उधर से नहीं ले और उना पाई रहू बाग मोड़ा ने मत लाने पत्थर, चलो ठीक है मैं को क्या, ये देखो जी गन्ने की ट्राली आ रही है दूसरी भी और भी आ रहे हैं, चलो मैं किनु ले शहर गया तो बहुत सिर का दर्द नहीं जा रहा, आने के बाद दूसरी दवा चाय पी रहा हूँ गोली खा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आती, हवा से ना सिर में दर्द बहुत हो गया है, बस मिट्टी होती है धूल होती है, तो देखो चाय पीते हैं कुछ आराम हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो जी इधर बांध लिया सिलेंडर, ट्रेन पे खड़ा कर लिया, अब बताते हैं रात को शायद ख़त्म हो जाए फिर कैसे करेंगे, इसलिए बता के रखते एहतियातन, बड़ा सिलेंडर तो ख़त्म हो गया इसमें थोड़ा था तो इतना दो सिलेंडर तो इसको भरा लेते हैं, बड़ा सुबह भराएंगे तो चलते हैं अभी भरा के आते हैं, ये सिलेंडर भरा के ला के इसको दे दिया, ये कह रही थी सिलेंडर नहीं चलती भरा के लाओ, आ गया सिलेंडर अभी बड़ा सिलेंडर कल से भराएंगे, हाँ ठीक है चलो चलो अनु ये इधर से निकले तो कुंडा लगा देना इसको, हाँ देखो भैया अच्छे अच्छे कमेंट करो, अच्छी अच्छी बातें करो ताकि किसी को महसूस ना हो, क्योंकि मैं भी कुछ किसी को कुछ नहीं कहता, आप भी मुझे कुछ ना कहो, हो देखो जो होते ना गलत सोचती बोला गलत कहते, हमारा आपस का मामला है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, तो आप भी मेहरबानी करें हमारा नाम ले रहे, आपका शुक्रिया अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर सितारा माइंड करे, मैं भी तो उसका लगता हूँ ना कुछ के। आप जो मेरे तो बिस्मिल्लाह क्या है, आप कुछ कहेंगे चलो उसकी माँ कुछ लगती है, आप ये सोच रहे तो आपके मियाँ को भी कुछ कहेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, मैं वर्दा कहता हूँ मरियम को कहता, इसलिए खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है नाम मेरा नाम ले, मैं आपका नाम नहीं लेता, अच्छी बात नहीं, मेरी उम्र का तकाजा इतना है कि आप जो नाम लेते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो और यही कुछ कह सकता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो फिर सितारा कहूँगा और क्या, यही बात होगी। हाँ क्या है कि उसी यानी कि 200 रुपए से उसके दुकान से 100 रुपए की चीज़ लो, हाँ
बाकी अपने सौ रुपए रखो। अब बताओ कि उसको कितना नुकसान हुआ है? उसको 400 का नुकसान हुआ। कैसे? 200 हो गया जी, 200 का और आपने सामान ले लिया। नहीं नहीं, 100 रुपए का लिया मैंने। अच्छा, तो 100 रुपए का लिया। हाँ। तो फिर उसको 300 का नुकसान हुआ। नहीं, फिर वो तो आपने कैलकुलेशन किया, वो तो 400 बता रहा है। वही है ना, वही है, वही है। तो ऐसा काम करते कि वो जो टेंशन में पड़ जाओ। अभी मुझे उस्ताद ने टेंशन में दिला दिया है। उस्ताद ऐसे को बस समझाओ ना, भी चोरी वाला काम नहीं सीधा का। ऐसे बोलो ना, जो 5 नमाज आज पढ़े 5 कल, तो फिर ये कितना हो गए? 10 हो गई। हाँ, इबादत का सौदा बताओ, चोरी वाला सौदा बोलो, उस्ताद नहीं बताओ। नहीं नहीं, वो तो मुझे कंफ्यूज करने के लिए बताया है ना। चलो चलो, बेहतरी होगी। ये हम शहर में खड़े हैं, शहर में भी ऐसे लोग हैं, देखो खुदियाँ वगैरह ये खड़े लोग जो ऐसे घास लेके आ रहे, हर बंदा परेशान है, छोटे छोटे बच्चे घर के सौदे के लिए परेशान है। यहाँ लोगों का राशन पूरा नहीं होता है। खुदा अल्लाह पे, अल्लाह से कोई खौफ करो, दुनिया पे रहम करो कि दुनिया किस निज़ाम से जा रही है। चाय ले पत्ती लेते हैं तो दूध नहीं, दूध लेते हैं चीनी नहीं, पेट्रोल डलाते हैं तो घर का खर्चा नहीं, आटा लेते हैं तो दाल नहीं है। खुदा कौम पे अहम करो, अच्छी अच्छी बातें करो, प्यार वक्त पे खलूस वाली, किसी की दिला राजी ना करो, किसी का दिल ना दुखो, कि रब दिला में रहना है। आलम लोहारे कहा है ना, तो मैं बार बार आपको क्या कहूँ, इतना बहुत है, अगर समझ जाएगी तो मेहरबानी, नहीं समझेंगी तो मेहरबानी।